हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून. वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड 3. टुडे वी आर गोइंग टू डू लेसन नंबर 2, इंग्लिश, गो एंड कम. सो हियर वी स्टार्ट विद द लेसन. वंस देर वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ प्रिटी लिटिल कॉटेज. देर वॉज अ लवली गार्डन अराउंड अ कॉटेज. डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स grew in the garden, and so there was a lot of work to do there. The plants had to be watered every day. They had to be given manure from time to time. They had to be cut, pruned at the right time. The garden needed weeding and cleaning. Everybody in the little boy's family हेल्प टू टेक केयर ऑफ़ द गार्डन. अभी ये एक लिटिल बॉय के बारे में स्टोरी है. उसके घर में, वो जो कॉटेज में रहता था, वहाँ पे एक छोटा सा प्रिटी गार्डन था. तो वो गार्डन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ, अलग अलग किस्म के प्लांट्स थे. और लेकिन जब प्लांट्स है तो उसमें काम भी बहुत है कि टाइम टू टाइम पानी देना, फिर वो मैन्यूर देना, मतलब जो सॉइल में जो उन लोग का खाना रहता है वो मटेरियल मिक्स करके वो टाइम टू टाइम देना, पर्न करना, मतलब जो चीज़ें नहीं है वो निकाल, जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो निकालना. ओके, लेकिन ये फैमिली में सब ने एक दूसरे को हेल्प करे थे. नाउ विल सी फर्दर ऑन. द बॉय हैड अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अंकल हु केम टू स्टे विद देम फॉर अ फ्यू डेज. द अंकल बिलीव्ड इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन. वन डे ही सॉ that the boy was playing around in the house. Little boy, said the uncle, you would be far better at work. Your garden needs weedly sadly. So now, and weed it like a good child. तो थोड़े दिन के लिए उनके घर में एक अंकल आए थे, लेकिन वो बहुत कड़प किस्म के अंकल थे. तो उनने वो लड़के को घर में खेलते हुए देखे, तो उनने उसको क्या बोले कि तुमको वो गार्डन में जाके थोड़ा बहुत काम करना है. वो जो तुम्हारा प्लांट्स है वो बहुत ये हो गए हैं, उनको वीडिंग सैडली चाहिए. मतलब वीडिंग सैडली मतलब जो चीज़ें जो ख़राब हो गई है, जो सूख गए हैं पौधे, वो सब निकालना है, वो सब प्लांट कट करके निकालना है. ओके, बट द लिटिल बॉय डिड नॉट फील लाइक वीडिंग दैट डे. आई कान डू इट, ही सेड. लेकिन वो लड़के को उस दिन काम नहीं करना था, तो उसने बोला कि मैं आज नहीं करूँगा. हो यस यू कैन, सेड द अंकल. वेल आई डोंट वॉन्ट टू नॉट जस्ट नाउ, सेड द लिटिल बॉय. वो अंकल बोल रहे नहीं, तुमको करना है. वो बोल रहे नहीं, नाउ मैं इस वक्त नहीं करूँगा. बट यू मस्ट, वो अंकल ने बोले, बट यू मस्ट. Don't be naughty, but go at once and do your work. This is an order. Get up and go. वो अंकल उसको बोलता है कि तुम अभी naughty मत बनो. जैसा मैंने बोला, एक अभी एक ही टाइम बोला है, उठो और काम करो. The uncle was himself a hard working man. He went away to carry on with his own work in another room. But the little boy sat still. But felt that his uncle was being unfair. His chin began to wobble and had to lump in his throat and his eyes welled up. वो अंकल खुद इतना मेहनत करने वाला आदमी था, तो उनको मतलब काम करना अच्छा लगता. वो बोल के वो अब दूसरे रूम में अपना काम करने के लिए गए थे, लेकिन वो लड़का, उसको दिल ही नहीं था करने के लिए ना, तो वो एक जगह बैठ के एकदम गुस्से में जैसा बैठा था वहाँ पे. Just then, his mother walked in. What's the matter, little boy? She asked. Why do you look so unhappy? जब उतने में वो बच्चे की माँ आ जाती, तो वो उसको पूछ रही, क्या हो गया, तुम इतने रोने के जैसा क्यों हो, दुखी क्यों हो? Uncle told me to weed the garden, said the little boy. अंकल ने बोला है कि वो गार्डन साफ करो, वीड करो. Oh, said his mother. What fun that will be. I love to weed.
And it is such a fine day. Can I come and help you to weed? उतने में उसकी मम्मी ने क्या बोले, अरे वाह क्या मस्त काम है, मेरे को तो बहुत पसंद था ये करने का, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूँ हेल्प करने। वाई येस सेड द बॉय, बॉय बोलता हाँ, कम लेट्स डू इट नाउ सेड द मदर। द बॉय गॉट अप रेडली एंड वेंट आउटसाइड विथ हिज मदर। द टू ऑफ देम वीडेड द गार्डन ब्यूटिफुली एंड हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर वर्किंग एंड चैटिंग एंड लाफिंग। उतने में उसकी मम्मी ने उसका साथ दी और उसकी मम्मी ने क्या बोले कि चलो मैं साथ देती हूँ लेकिन काम तो करना ही है। तो वो बच्चा भी रेडी हो गया और उसकी मम्मी के साथ गया और साथ में पूरा वीड किया, मतलब जो सूखे झाड़ है जो है वो सब पूरा साफ करके बहुत ब्यूटीफुल गार्डन दिखने लगा। गॉट इट? जो भी काम करो खुशी से करो, दिल से करो, तो बहुत मज़ा आता है। समझ में आया ना बच्चे? और जब कोई बड़े कुछ बोलते हैं तो सुनना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। और घर में थोड़ा बहुत काम करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस लेसन? गो एंड कम। ओके, थैंक यू।